बच्चों एकदम आपने सही जगह क्लिक किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल है ये, हम देखेंगे, डील करेंगे जरा। और इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली पार्ट एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने डाल दिया है, आप पहले उसे देखें, उसके बाद इसको देखें, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। कन्वर्ट 40 डिग्री और 20 मिनट इनटू द रेडियन। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीछे, देखिए जरा वीडियो में, कि भाई हमें ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब यूनिटी मेथड से सॉल्व करेंगे, हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई अपॉन में 180 रेडियन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो हमारे पास कितना है? देखो, अब सबसे पहले देखो कंसेप्ट है, 40 डिग्री 20 मिनट है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान समझिएगा, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यहां तक कोई डाउट? तो एक मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट? इसमें कोई शंका है? ठीक है, अब हमारे पास देखो बच्चों 20 मिनट है, कितने मिनट है बच्चों, 20 मिनट है, तो 20/60 में कितना हो जाएगा, 60, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 है ना, तो यानी कि 1/3 डिग्री हो गया, ये 1/3 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ऐड कर देंगे, ये डिग्री और ये भी डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 12 और 121/3 इतना डिग्री हो गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? मेरे ख्याल से ये तो चीजों आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे अब चलते हैं। अब इतना डिग्री आ गया, तो 121/3 है ना, डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पे पुट करो, 121/3 इनटू पाई बाय 180। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आप ज्यादा अगर नहीं कट रहा तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू कटने लायक नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसे। 18 तिया 54 हो गया, 121/5/540, ये अब ये पूरा क्या हो गया, रेडियन हो गया, या फिर रेडियन ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। ठीक, पहले आप ऐसे उतारेंगे, फिर इसको ये साइड में वहां पर नीचे करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे बताइए कि हमारा क्या है, 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था बच्चों पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री है ना। अब मुझे रेडियन बनाना है, तो इसको नीचे ले आओ फिर अगेन, है ना, तो 1 डिग्री में 6 रेडियन है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, सॉरी उल्टा करना है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री हो गया। यहां तक तो कोई डाउट? इसे ऐसे करोगे इसको, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे, अब उसने 6 रेडियन कहा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 इंटू 6/ पाई की वैल्यू क्या होती है, आपको पता ही है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। पॉइंट में लोगे तो मल्टी डिवाइड करने में आपको मतलब कॉम्प्लिकेशन होगा, तो 7 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 6 रेडियन। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, तो देखो 2 एकम 2 और 2 में 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 42 और 9 से कर जा, ये 9 9 18 और 9 6 37, ये आ गया आपका 3780/1, इतना डिग्री। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। यहां तक कोई डाउट? मेरे ख्याल से किसी को कोई शंका तो नहीं है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं डिवाइड करके क्या वैल्यू देता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जरा, यहां पर हमने क्या करा, इसको डिवाइड में लेते हैं, 3780, ठीक है, 11 से कटो, तो 11 3 जा 33, 4 आया यहां पर 80, 11 4 जा 44, यहां पर 4 आया 0, 11 3 जा कितना होगा, 33, कितना आया हमारा रिमाइंडर बचा, कितना बेटा, 7 बचा। अब ये देखो, अब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिग्री, ये क्या हो गया बच्चों, हमारा डिग्री हो गया। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, कि ये हमारी डिग्री में आ चुकी है। ठीक, अच्छा जी, अब हमारा इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये हमारे रिमाइंडर डिग्री में आया, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 7 6 7 6 42 420, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, मिनट हो गया। अब इस मिनट को भी डिवाइड कर देते हैं जरा, 420 इज टू 11, तो 11 3 जा, है ना, 3 जा तो कितना होगा, 12 में से 3 गया आपका 9, है ना, और ये 90 और 8 जा, ठीक है, 88 और ये हो गया 2। ठीक, यहां तो कोई डाउट? ये हो गया आपका मिनट। ठीक है, यानी कि आपके पास डिग्री आ गई और मिनट आ गया। अब फिर अब इससे क्या करोगे बच्चों,
अब इससे फिर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंबल सेकंड का है और ये सिंबल आपका किसका है, मिनट का है, ठीक है। तो आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 120 आ गया, ये आ गया सेकंड। अब इसको फिर 120 को 120 से 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 बन जा, ठीक है, ये आ गया 1। और मेरे ख्याल से पॉइंट में नहीं कटेगा, है ना, हाँ पॉइंट में नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे फिर अब आपका, ठीक है। तो 11 9 जा, तो 1.9 मेरे ख्याल से अराउंड आ रहा था। अच्छा, ना जाने की जीरो भी तो लगेगी, ठीक है, देखो ये नहीं कटा, ना जाने की जीरो, 9 जा, तो 99, ठीक है। तो अब देखो, तो ध्यान समझो, ये आ गया सेकंड। तो यहां पर हमारा कंक्लूजन फाइनल क्या निकला, हमारा फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि बच्चों 3 मतलब 6 रेडियन में 343 डिग्री और सॉरी ये डिग्री जीरो बनाओ, ये डिग्री और 38 क्या मिनट, और देखो ये 10.9 है, तो क्या हम इसे अप्रोक्स जो है 11 सेकंड नहीं कर सकते, 11 सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे नहीं जाने की जरूरत है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को, चलो स्क्रीनशॉट लें, चलें आगे। देखिए बच्चों, ये दो नेक्स्ट एग्जांपल हैं, ठीक है, इसको करते हैं जरा। कह रहा है कि फाइंड द रेडियन ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ अ लेंथ इतना, है ना, कह रहा है फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है हमें। हमने आपको बताया था बच्चों कि भाई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एल बाई आर होता है, हमें क्या चाहिए, उसने कहा रेडियस, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई थीटा हो जाएगी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पर मेरे ख्याल से मिस हो गई होगी, तो ध्यान समझिएगा, यहां पर जो भी थीटा आता है ना बच्चों, इनको सॉल्व करके, वो ऑलवेज किस में आएगा बच्चों, रेडियन में आएगा, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज समझ में समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि ये थीटा आएगा, ये ऑलवेज किस में आएगा, रेडियन में आएगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क उसने दे दिया कितना, 37/4 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू डिग्री में दे दी। तो मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, यहां पर थीटा हमारा किस में है, डिग्री में है, तो आपको थीटा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, क्योंकि ये थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो देखते हैं जरा, क्योंकि भाई एक बार बताइए, ये रेडियन, ये रेडियन, ये डिग्री में कैसे ले सकते हो, ठीक है, ये अलग फैमिली का, ये अलग फैमिली का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो आप ध्यान समझिएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, तो 1 डिग्री में कितनी वैल्यू, पाई अपॉन में 180 क्या रेडियन, तो हमारा कितना डिग्री बोला, 60 डिग्री। तो मैंने यहां आपको वैसे कन्वर्जन बता रखा है इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो में, आप उसे जरूर से देखें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये कितना हो गया आपका, पाई बाई 3। यहां तक कोई डाउट बच्चों, यानी कि 60 डिग्री जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री की वैल्यू आ गई पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, अब हमारे पास आर आ गया, एल सॉरी आर कैसे निकल जाएगा, देखो एल की वैल्यू इतना है और हमारे पास थीटा की वैल्यू है पाई बाई 3, तो ये 3 सिंपल सी बात है कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे होता है ना लॉजिक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये यहां जाता है और ये यहां जाता है, ऐसे देखो ए बाई बी और C बाई डी, मुझको लगता है ये पता होगी बच्चों को, ये यहां और ये यहां, ठीक है बच्चों। तो इतना अभी मैं देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 इंटू 3 बाई पाई। यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 22/7, 3.4 इंटू 3, तो 22 नीचे और 7 ऊपर, है ना। अब बस आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके आंसर आपका आ रहा है 35.3, ठीक है। कैलकुलेशन ये इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर 35.7 आ रहा है आई थिंक सो, है ना, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया आपका 35.7। तो प्लीज आप लोग इसे कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, इतनी मेरे डेटा को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आप आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, उसमें आपका जो वैल्यू है, कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ, ये मिनट लिखा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज इतना, है ना, यानी कि उसकी लेंथ दे दी मुझे, यानी कि क्या दे दिया, देखो अगर हम मान लो ये घड़ी है, ये दे दी, ये 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 मिनट हैंड है, तो ये इसकी लेंथ है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक सर्कल की रेडियस ही तो हो गई, तो यानी कि हमें क्या गिवन, क्या दे दिया उसने डेटा, यानी कि उसने डेटा हमें क्या गिवन दे दिया, उसने हमें गिवन दे दिया कि
कि रेडियस, ये फोर्थ आंसर। आर की वैल्यू हमारी कितनी हो गई बच्चों, 1.5 मीटर। यहां तक कोई डाउट? हाउ फार डज अ टिप्स मूव इन अ 40 मिनट, कह रहा है 40 मिनट में कितना मूव करेगा, यानी कि हमारे पास अब देखो 40 मिनट है, टाइम दे दिया। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये टाइम दे दिया और पाई की वैल्यू हमें दे ही रखी है, टाइम दे दिया, ये क्या बवाल है, कैसे करा जाए, क्या करेंगे इस चीज को, है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें थीटा निकालना होगा। तो अब देखो मैंने आपको बताया था, इस चीज को समझिएगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारा जो है एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सिंपली हम सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना कि भाई अब हमारा क्या दे रखा है, हमारे पास रेडियस दे रखा है, टाइम दे रखा है, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, ठीक है। हाउ फार टिप मूव, मतलब यही तो देख रहा है ना, देखो ये टिप थी, ये कितनी दूर मूव करी, इसका मतलब भाई एक सर्कल होगा अब हमारा, तो भाई ये यहां से अगर मान लो ये ऐसे रेडियस बना, तो ये यहां तक मान लो मूव करा, तो ये क्या बनेगा, आर्ली तो बनेगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, थीटा इजकस टू एल बाई आर होता है, तो एल इजकस टू थीटा इंटू आर होगा। थीटा को हम किस में निकालेंगे, रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा, तो पहले इस टाइम को कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो एक मिनट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/60 डिग्री हो गई, ठीक है। अब हमारे पास 40 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/60, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, डिग्री कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 2/3 डिग्री। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि पाई रेडियन इजकस टू 180 डिग्री होता है, मुझे एक क्या कहते हैं डिग्री की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन में 180 रेडियन, यहां तक कोई डाउट? तो अब हमारे पास कितना आएगा, 2/3 डिग्री, 2/3 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 इंटू पाई अपॉन में 180 हो गया, है ना, जा सकते कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन में कितना आएगा, 9 × 27 = 270 क्या रेडियन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, दूरी बढ़ा रहा, ठीक है। अब देखो जरा बच्चा, यहां पर L is equal to थीटा हमारे पास रेडियन में आ गया है, यानी कि पाई अपॉन में कितना आएगा, 270, और ऑब्वियसली बात है R की वैल्यू आपको 1.5 आपको दे ही रखी है। अब यहां पर पाई की वैल्यू कितनी बोली उसने, 3.14 लेनी है, 3.14 लेनी है, और ये 270 हो गई और ये 1.5 हो गई। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको आप सॉल्व करें और आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, अराउंड ये 6.28 सेंटीमीटर आएगा। इट्स योर कैलकुलेशन, इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलो तो अब इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5th पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट आपका एग्जांपल है, ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। तो ध्यान से देखेंगे क्या रहा है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन ए टू सर्कल, भाई हमें क्या क्वेश्चन में दे दिया कि भाई उसकी जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो क्या है, सेम है। सबस्टेंडेड एंगल 65 और 110 एट द सेंटर, सेंटर पे क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं 65 और 110, मतलब दो ऐसे ऐसे तरीके से हैं, ठीक है। एक एंगल हो गया आपका 65 और दूसरा जो एंगल हो गया आपका 110, ठीक है। अब ये क्या रहा है कि दोनों की L सेम है, दोनों की क्या है, L सेम है। इसका R1 ले लो रेडियस, इसकी क्या ले लो, R2 ले लो। अब वो बोल रहा है कि मुझे R1 और R2 का रेशो ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई R होता है, ठीक। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, L बाई थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है कि थीटा हमारा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, इट इज इन रेडियन। किस में होना चाहिए बच्चों, रेडियन में हो जाने थे। तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, 65 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप भाई थीटा 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए कितना 65 है, तो मैंने आपको बताया था पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका क्या है, यूनिटरी मेथड है। तो एक डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन में 180 रेडियन, तो हमारा कितना है 65 डिग्री, तो 65 ये रेडियन है, ठीक है। 65 अपॉन में 180 इंटू पाई, इतना रेडियन आ गया, ये आपका थीटा 1। इस तरीके से थीटा 2 निकालोगे, तो थीटा 2 क्या होगा हमारा, कितना है 110 डिग्री है। तो वही चीज भाई, पाई रेडियन तो 180 डिग्री में है ना, इतना रेडियन, तो 110 डिग्री में कितना हो जाएगा बच्चों, 110 इंटू पाई अपॉन में 180 रेडियन, हमारे पास थीटा 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हो गया थीटा 1 L बाई आर वन, ठीक है। यहां तो कोई डाउट, अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं आर वन एल और थीटा वन। आपको पता है L दोनों का सेम है, L1 L2 इक्वल टू L है, दोनों क्या है सेम है, तो मैंने L ही रहने दिया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा, R2 इक्वल टू L अपॉन में थीटा 2।
अब आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो पूछा है ना, तो आर वन अपॉन में आर टू डिवाइड मार दिया मैंने, यहां पे क्या आ जाएगा एल अपॉन में थीटा वन और एल अपॉन में थीटा टू, ये वैल्यू यहां और ये वैल्यू यहां, भाई एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा बच्चों थीटा टू अपॉन में थीटा वन, ठीक है, तो आर वन रेशो आर टू है ना, तो थीटा टू की वैल्यू देखो कितनी है 110 पाई अपॉन में 180, ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय है ना, डिवाइडेड बाय कितना आएगा ध्यान से देखो जरा 65 पाई अपॉन में 180, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, अच्छा अब मैंने क्या कहा बच्चों ये वाली वैल्यू यहां जाती है, ये वाली वैल्यू यहां जाती है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे 110 पाई अपॉन में कितना आएगा 180 इनटू, तो देखो 180 कहां पहुंच जाएगा ऊपर और 65 पाई कहां पहुंच जाएगा नीचे, है ना, अब 180 से 180 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, अब मेरे ख्याल से ये किससे कटेगा बच्चों, ये आपका 11 से कट जाएगा, कितने से कटेगा मतलब कोई वैल्यू से काट देते हैं इसे, ठीक है 13 से काट के देखते हैं, 5 से काट के देखते हैं सबसे अच्छा, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 13, है ना, तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो कितना आ गया आर वन का रेशो आर टू जो है आपकी वैल्यू आ गई 22:13, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है, और कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चलिए सभी को मेरा राम राम, इतना स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, चलें आगे।